वही लोग जो बाबर आजम पर उंगलियां कसते थे, जो उनकी स्ट्राइक रेट और एवरेज पर सवाल उठाते थे, जो पाकिस्तानी क्रिकेट पर सवाल उठाते थे और पाकिस्तानी क्रिकेट पर कोई भी मौका नहीं जाने देते थे जब पाकिस्तान पर उंगली उठाने का मौका हो और वो ना उठाएं, तो वही सारे लोग जो हैं वो पाकिस्तान की तारीफ़ें करते जा रहे हैं। बाबर आजम की पर्टिकुलरली तारीफ़ें कर रहे हैं। हर्षा भोगले की हमने देखा अभी रिसेंटली ट्वीट आया कि उन्होंने कहा जी कि मैंने 11 साल पहले प्रेडिक्शन कर दी थी कि बाबर आजम जो हैं वो दुनियाए क्रिकेट के लेजेंड होंगे, वो दुनियाए क्रिकेट पर छा जाएंगे और कोई उनका कंपटीटर नहीं होगा, कोई उनके बराबर नहीं होगा, वो सबको कम्पीट ना सिर्फ करेंगे बल्कि सबसे आगे निकल जाएंगे। और ऐसा ही हुआ है, तीनों फॉर्मेट में टॉप 5 में है बाबर आजम और हमने देखा कि कोई भी बैट्समैन जो है वो बड़ा दुनिया का उनके करीब भी नहीं है और कोई भी ऐसा दूसरा बैट्समैन नहीं है जो टॉप 5 में हो, तीनों फॉर्मेट्स में नहीं है। यानी T20 हो, ODIs हो, टेस्ट हो, आपने स्लो खेलना है, आपने तेज़ खेलना है, आपको बाउंड्रीज चाहिए, आपको सिंगल्स चाहिए, आपको रोकना है सारा सारा दिन मैच, तो आपको बाबर आजम जैसा बैट्समैन चाहिए और ऐसा ही बैट्समैन है। हर्षा भोगले ने कहा कि जो उन्होंने इनिंग खेली बाबर आजम ने 193 की 196 की ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़, वो एक बेहतरीन किस्म की इनिंग थी और वो उनकी उस प्रेडिक्शन को सच साबित करती है जो उन्होंने 11 साल पहले की कि बाबर आजम जो हैं वो बेहतरीन बल्लेबाज होंगे इस पूरे इरा के, और ना सिर्फ पूरे इरा के बल्कि पूरे जो है वो एक लेजेंड के तौर पर वो उभरेंगे, ना सिर्फ बल्कि वो दूसरे सारों को पीछे छोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि वो उस 11 साल कबल अंडर 19 वर्ल्ड कप में नहीं जा सके थे और उनके एक दोस्त गए थे वहाँ और उनके दोस्त से उन्होंने जब पूछा कि वर्ल्ड कप में कोई अच्छा बैट्समैन या कोई अच्छा प्लेयर नज़र आया आपको, तो उन्होंने कहा कि एक प्लेयर ऐसा है जो दुनियाए क्रिकेट पर राज करेगा और वो है पाकिस्तानी बाबर आजम। और उन्होंने कहा कि 11 साल जो उन्होंने पहले मुझे बताया था वो आज वो बात सच साबित हो रही है। हर्षा भोगले इसके अलावा भी बाबर आजम की काफ़ी तारीफ़ें करते हैं। हमने देखा उनको एक दफ़ा उन्होंने ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि बाबर आजम का कोई जोड़ है ही नहीं और दुनियाई क्रिकेट में सबसे अच्छे जो बैट्समैन है वो बाबर आजम है और उनका अगर कोई कंपटीटर नज़र आ रहा है तो वो शाहीन शाह अफरीदी है। यानी बैट्समैनों में कोई उनका कंपटीटर नहीं है और बॉलिंग में शाहीन शाह जो है वो एक उभरते हुए सितारे हैं। यानी दोनों की वो तारीफ़ कर रहे थे, पैरेलल शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम दोनों को बराबर गर्दान रहे थे कि बॉलिंग में उनका कोई मुकाबला नहीं, बैटिंग में बाबर आजम का कोई मुकाबला नहीं। और इस तरह से हर्षा भोगले ने जब तारीफ की तो इंडियन जो फैंस हैं उनको ये तारीफ पसंद नहीं है और उन पे बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म होने लगा, उन पे बाकायदा तौर पर उंगलियां उठाई जाने लगी हर्षा भोगले पर। और बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का शिकार होने के बाद हर्षा भोगले को अपना ट्वीट जो है उसकी वजाहत देनी पड़ी और उन्होंने बाकायदा तौर पर फिर वजाहती एक ट्वीट जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने इस तरह से नहीं कहा कि बस दुनिया के बेहतरीन बैट्समैन हैं, बल्कि मेरा कहना ये था कि जो दुनिया के टॉप 3-4-5 बैट्समैन हैं, जैसे Fab 4 की बात कर सकते हैं हम, तो उनमें बाबर आजम जो हैं वो कहीं ना कहीं खड़े मिलते हैं हमें। और इसमें कोई शक नहीं कि बाबर आजम जो है ना सिर्फ Fab 4 में खड़े मिलते हैं बल्कि दुनियाए क्रिकेट के टॉप बैट्समैन हैं बाबर आजम और उनके रेटिंग्स, उनकी रैंकिंग्स, उनकी एवरेजेस, उनकी स्ट्राइक रेट, उनके स्कोर्स, उनकी इनिंग्स, उनका सारा कुछ जो है वो ये डिटरमिन कर रहा है और ये बता रहा है कि वो वाकईतन दुनियाए क्रिकेट के उभरते हुए ना सिर्फ सितारे हैं बल्कि वो अब उभर चुके हैं और वो एक चांद की मानिंद हैं, अब तो सितारे उनसे रोशनी ले रहे हैं। तो अब सवाल ये है के हर्षा भोगले जो हैं वो उन्होंने एक दफ़ा पहले तो ये अपना ट्वीट जो है उसको रिफ्रेज किया और उसकी वजाहत दी, लेकिन अब जो उन्होंने कहा है कि 11 साल पहले जो उनकी प्रेडिक्शन थी वो सच साबित हुई है और बाबर आजम लेजेंडरी बैट्समैन हैं और वो बनने थे जिस तरह की उनकी फॉर्म थी, जिस तरह की उनकी सिचुएशन थी, और ऐसा ही हुआ है और बाबर आजम टॉप फॉर्म में हैं, अब स्कोर्स कर रहे हैं ना सिर्फ बल्कि दुनियाए क्रिकेट में उभरते जा रहे हैं, उभरते जा रहे हैं। और हमारी तो यही उम्मीद है पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस की कि बाबर आजम मजीद जो हैं वो तरक्की करें, बुलंदियां पाएं, मजीद एवरेजेस बेहतर हों, स्ट्राइक रेट बेहतर हो, मजीद उनके बड़े स्कोर्स हों, रिकॉर्ड्स तोड़ें और जो पाकिस्तान का नाम है वो दुनियाए क्रिकेट में मजीद बुलंद करें। इसी के साथ दीजिए इजाजत, अल्लाह हामी नासिर।